नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रिक्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई। तालाब से 500 से ज्यादा शराब से भरे डिब्बे बरामद। नजूल की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग, निगम ने की कार्रवाई। गणेश विसर्जन पर डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध, वाहन पर बॉक्स लगाने वालों का परमिट भी होगा निरस्त। और 17 सितंबर को मनाई जाएगी भगवान विश्वकर्मा जयंती, बाजार में बढ़ी रौनक। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरबा चौक बिलासपुर। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम को सूचना मिली कि तखतपुर के ग्राम गनियारी में अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री की जा रही है। मौके पर पहुंची टीम ने जांच के दौरान तालाब के भीतर से डिब्बे में छुपाकर रखे 800 लीटर कच्ची शराब और 6000 किलोग्राम महुआ पास लहान जब्त किया है। आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली कि तखतपुर के ग्राम गनियारी स्थित गांव में रहने वाले लोग महुआ शराब की अवैध बिक्री कर रहे हैं और भारी मात्रा में घरों के भीतर महुआ शराब का भंडारण किया गया है। जांच पर पहुंची टीम ने जब घरों की तलाशी ली तो वहां कुछ नहीं मिला। सहायक जिला आबकारी अधिकारी कल्पना राठौर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जब गांव के आसपास सघन जांच की तो देखा कि तालाब के भीतर डब्बे डूबे हुए हैं। जब उसे बाहर निकालकर देखा गया तो उसमें महुआ शराब था। टीम ने गोताखोरों की मदद से तालाब के भीतर छुपा कर रखे गए महुआ शराब को बाहर निकालना शुरू किया। इस कार्रवाई में टीम को करीब 5 घंटे लग गए। तालाब के भीतर से करीब 800 से अधिक डब्बे महुआ शराब से भरे बाहर निकाले गए, जिसमें 800 लीटर कच्ची शराब और 6000 किलोग्राम महुआ पास लहान भरा हुआ था। आबकारी विभाग की जिले में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मंदिर के पास में हम लोग को पहले 200 लीटर शराब मिला ना, तो मेरे आरक्षकों ने बताया कि मैडम यहाँ देखिए तो पूरा तालाब में ही शराब डूबा हुआ है करके। तो तत्काल हम लोग फिर अंदर गए और पूरा तालाब में देखे तो तालाब में भारी मात्रा में डब्बे डूबे हुए थे और शराब भी डूबा हुआ था। और उसको सबको फिर निकालने में हमको 5 घंटे लग गए पूरे शराब को निकालने में। तालाब के भीतर से निकाले गए इस जखीरे को आबकारी विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है, लेकिन अब तक इस मामले में आरोपी का नाम सामने नहीं आ पाया है। दरअसल गांव के लोग अवैध शराब की बिक्री में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिसके कारण आबकारी की टीम को आरोपी और उसके सरगना तक पहुंचने की चुनौती है। बहरहाल मामले में अज्ञात के खिलाफ आबकारी का मामला दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी बिलासपुर। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है, जिसमें आयोग को पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन व सर्वेक्षण कर 7 बिंदुओं में अनुशंसा प्रस्तुत किया जाना है। 7वें बिंदु के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों व नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व आरक्षण से संबंधित है। इसके मद्देनजर जिले में ओबीसी जातियों का सर्वेक्षण कार्य जारी है। नगर निगम सभाकक्ष में एसडीएम पीयूष तिवारी ने सभी जोन कमिश्नर, निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुपरवाइजर, CDPO और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक लेकर वर्तमान में कराए जा रहे ओबीसी सर्वे कार्य की जानकारी ली। मंगलाधुरी पारा मुख्य मार्ग पर निगम द्वारा कचरा डंप किया जा रहा है। अंबार लगे कचरे से उठती तेज बदबू से वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में निगम के प्रति खासी नाराजगी है। नगर निगम द्वारा शहर के कई जगहों में अघोषित रूप से डंपिंग यार्ड बनाकर कचरा डंप किया जा रहा है। गीला और सूखा कचरे के अलावा कुछ जगहों में तो टॉयलेट से निकली गंदगी को भी सड़कों के किनारे फेंका जा रहा है। ताजा मामला मंगला वार्ड क्रमांक 13 का है। यहां धुरीपारा जाने वाले सड़क तक कचरा फैला है, जहां ठेका कंपनी के कर्मचारी वाहनों में भरा कचरा यहां आकर खाली कर देते हैं, जिसके कारण यहां कचरे का अंबार लग गया है। इससे उठती दुर्गंध पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रही है। लोगों का बदबू के चलते इस सड़क पर चलना दुर्भर हो गया है। वातावरण में फैले बदबू से यहाँ रहने वाले लोग भी परेशान हैं।
उनका कहना है कि डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी अब मंगला में फैलने की उम्मीद है। जिस तरह निगम के ठेका कर्मी सड़कों के दोनों ओर कचरा डंप कर रहे हैं, उससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। हद तो यह है कि अब यहाँ कचरे के अलावा टॉयलेट से निकला गंदा पानी भी सड़क के किनारे ठेका कर्मी डाल रहे हैं। इसके साथ ही मृत मवेशियों को भी यहां फेंका जा रहा है, जिसके चलते संक्रमण फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है, जिसे लेकर आसपास के रहवासियों और राहगीरों में नगर निगम प्रशासन के प्रति खासी नाराजगी है। यहां से हम लोग जैसे गुजरते हैं तो इतना गंदा बदबू रहता है जिसको असहनीय है, तो इससे बहुत प्रकार की बीमारियाँ हो रही है और शहर के पूरे गंदगी को इकट्ठा करके यहाँ डंप कर रहे हैं। निगम वाले ही ला रहे हैं, निगम की गाड़ी से आ रहे हैं तो निगम वाले ही ला रहे हैं और कोई नहीं। और आसपास वहाँ तो वातावरण ख़राब हो रहा है, बहुत प्रकार के बीमारियाँ, हैजा, मलेरिया, इस टाइप की बीमारियाँ फैलती जा रही है। सिर्फ परेशानी ही परेशानी है, पूरा कचरा, मतलब समझ रहे हैं बीमारी का जड़ है। पूरा निगम में जितने भी मतलब हॉस्पिटल का वेस्ट है या जहाँ भी जितना भी गंदगी नाली वगैरह का, सब यही ला के डाल रहे हैं वो लोग। हम लोग बड़ा खुश हुए थे कि मंगला निगम में आ गया, टैक्स पटा रहे हैं तो कुछ सुविधाएं मिलेगी। तब देख रहे हैं क्या सुविधा मिल रहा है हम लोग को। हम लोग को मतलब निगम के हिसाब से यही मिला, ऊपर से हम लोग टैक्स दे रहे हैं कि हमें तो सुविधा मिले, साफ सफाई हो, पूरे शहर की गंदगी हमारे घर में ला के डाल रहे हैं वो लोग। ठेका कंपनी ने अपनी सहूलियत के लिए स्थानीय लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। रोजाना इस सड़क से कई लोगों की आवाजाही होती है, छोटे बच्चों से लेकर स्कूली बच्चे भी इस मार्ग से गुजरते हैं। बदबू के कारण उन्हें यहां से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों में निगम प्रशासन के प्रति खासा आक्रोश है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। देवकी नंदन चौक से पुराना पुल जाने वाली सड़क काफी जर्जर हो गई है। राम सेतु के सामने असामाजिक तत्वों द्वारा दीवार को तोड़ दिया गया है। आवागमन की सुविधा और बढ़ते यातायात दबाव को कम करने नदी किनारे वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है। हालांकि चारों दिशाओं से वाहनों की आवाजाही के कारण मुख्य चौक पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस ओर नगर निगम और यातायात पुलिस को ध्यान देकर व्यवस्था बनाने की जरूरत है। यहाँ पे चारों तरफ से रास्ता है, यहाँ पे सिग्नल लगना जरूरी है कि आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहता है। यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे गड्ढा, बड़ा बड़ा गड्ढा भी हो गया है। एक दूसरे के बचाने के चक्कर में भी यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर राजेंद्र नगर से स्कूली बच्चों के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। यह जुलूस राजेंद्र नगर से शुरू होकर भारतीय नगर, यदुनंदन नगर होते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग और स्कूली बच्चे शामिल हुए। आज फ्यूचर साइंस से स्कूल के बच्चों को जुलूस के शक्ल में निकाला गया। हम लोग सरकार की आमद की खुशी में और हमारी सरकार की योम विलादत पूरा महीना चलता है और इसमें अल्लाह का फजल करम से बच्चों लोग का जगह जगह में इस्तकबाल होता है, उनका प्रोग्राम, खाने पीने का इंतज़ाम रहता है, उसी के शक्ल में हम सरकार की आमद की खुशी हम लोग जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं। इसमें संदेश ये पैगाम का संदेश देना चाहते हैं, अमन और भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सरकार की योम विलादत है, उसमें पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड सरकार की खुशी हम लोग मनाते हैं। जो स्कूल है फ्यूचर शाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन इस स्कूल के बच्चों के द्वारा जो आज जुलूस निकाला गया है, आज एक बहुत ही अहम हमारे लिए जो दिन चल रहा है, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है। और ये बर्थडे में देखे आप, जैसे ये मैसेज पढ़ रहे हैं, हमारे हमने मैसेज जो लिखा है ये उनकी सेइंग है, उसको हम हदीस कहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि गरीबों का ध्यान दो, अपने पड़ोसियों का ध्यान दो, अपने भाई, अगर आपका भूखा है तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अगर आप अच्छे से रह रहे हो तो ये आपके साथ फ़र्ज बनता है कि आपके पड़ोस के लोग भी अच्छे से रहें। आगामी त्योहारों के मद्देनज़र शनिवार को जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने अपील की। पुलिस लाइन से निकले इस फ्लैग मार्च में SP रजनेश सिंह, एडिशनल SP उमेश कश्यप सहित जिले के राजपत्रित अधिकारी, थानेदार और जवान शामिल हुए। अग्रेसन चौक होते हुए पुलिस का यह मार्च गोल बाजार, सदर बाजार, नेहरू चौक होकर पुलिस लाइन में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने आमजनों से त्योहारों को शांतिपूर्ण और सद्भावना के साथ मनाने का संदेश दिया। नजूल की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर बेचने के मामले में निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खुदुदन नगर सेना कार्यालय के सामने 2 एकड़ 13 डिसमिल भूमि भूपेश तमस्कर नाम के व्यक्ति ने टुकड़ों में रजिस्ट्री कर बेच दिया। पूर्व में नगर निगम प्रशासन ने भूमि स्वामी को 6 से 7 बार नोटिस भी जारी किया था। शनिवार को अतिक्रमण दस्ते ने मौके पर कार्रवाई किया।
कुतुदंड नगर सेना कार्यालय के सामने स्थित नजूल की भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन समय में शीट क्रमांक 1 प्लॉट नंबर 2 और 3 रकबा 2 एकड़ 13 डिसमिल भूपेश तामस्कर के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नजूल की भूमि पर टुकड़ों में प्लॉटिंग नहीं किया जा सकता। भूमि स्वामी भूपेश तामस्कर के द्वारा नजूल भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग किया जा रहा था। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन ने भूमि स्वामी को 6 से 7 बार नोटिस भी जारी किया है, लेकिन उसके बाद भी निगम के द्वारा भेजे गए नोटिस का भूमि स्वामी भूपेश तामस्कर के द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया। शनिवार को नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की अतिक्रमण दस्ता टीम ने मौके पर जाकर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। यहां बनाए गए पहुंच मार्ग को नगर निगम ने जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया। मौके पर पड़े निर्माण सामग्री रेती ईंट गिट्टी को नगर निगम की टीम ने जब्त किया। नगर निगम में लोगों के द्वारा शिकायत की गई कि कुदुडंड में नजूल की भूमि पर भूपेंद्र तावस्कर द्वारा जो है अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। उसकी जो जमीन है लगभग 2 एकड़ है जो नजूल की भूमि है, और उसको बगीचे के उपयोग के लिए दी गई थी, जिसका कि उनके द्वारा भू उपयोग चेंज कराए बिना और नगर तथा ग्राम लिवेस और नगर निगम से बिना कॉलोनी की अनुमति लिए उनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग करके प्लाट को टुकड़ों में करके बेच दिया गया है। अभी भी लोगों को द्वारा बेचा जा रहा है, जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर आज आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार वहां पर कार्रवाई की गई है। ये लगभग 22 टुकड़े तो बेच चुके जो हमारी जानकारी में है। इसके संबंध में हम लोगों ने रोक लगाया है कि पंजीयक कार्यालय में कि इनकी रजिस्ट्री ना की जाए। दूसरा, हमने नजूल अधिकारी के यहाँ भी पत्र भेजा है कि जिन लोगों की ये बिक्री हुई है उनका नामांतरण ना किया जाए, क्योंकि लगातार नजूल अधिकारी से हमको पत्र मिल रहा था कि इस ज़मीन का हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि हम नामांतरण की कार्रवाई करें। तो उच्च अधिकारियों के और आयुक्त साहब के संज्ञान में बात लाई गई, तो आयुक्त साहब का स्पष्ट निर्देश था कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो आज उसी चरण में जब दोबारा फिर से शिकायत मिला कि वहाँ निर्माण हो रहा है, तो निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम बंद कराया गया है, उसका रेती गिट्टी बांस बल्ली सेंटरिंग का सामान जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि भूमि स्वामी भूपेश तामस्कर ने करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को अवैध प्लॉटिंग भूमि को बेचकर उसकी रजिस्ट्री भी कर दी है। नगर निगम में जब खरीदारों ने एनओसी के लिए आवेदन लगाया तो निगम ने एनओसी देने से अपने हाथ खड़े कर दिए। भूमि स्वामी भूपेश तामस्कर ने योगिता दुबे, हाजी अनवर हुसैन, खुर्शीद अहमद, अख्तर हुसैन, जुनैद खान, अश्वनी गुप्ता, कृष्ण गुप्ता, प्रतीक गुप्ता सहित कई लोगों को जमीन की रजिस्ट्री कर दी है, जो अब नामांतरण के लिए घूम रहे हैं। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। यदुनंदन नगर वार्ड क्रमांक 6 में सफाई नहीं होने के कारण यहां अव्यवस्था का आलम है। वार्डवासी गंदगी से परेशान है। क्षेत्र में निगम प्रशासन के द्वारा कंटेनर नहीं रखे जाने के कारण आसपास के लोग घरों से निकला कूड़ा करकट मार्ग में ही फेंक रहे हैं, जिसके चलते वार्ड में गंदगी पसरी है। नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण इसका खामियाजा वार्डवासी भुगत रहे हैं। शहर और उसके चारों तरफ ही नहीं, आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी रेत की जगह जगह अवैध डंपिंग की गई है। माफिया घाटों से रेत का अवैध खनन कर उसे शहर के अलग अलग जगहों में डंप कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात है कि रेत घाटों और पूरे जिलों में हो रही रेत की अवैध डंपिंग की मॉनिटरिंग का जिम्मा खनिज विभाग के महज एक इंस्पेक्टर के जिम्मे है। रेत के अवैध भंडारण को रोकने और इसकी कीमत कम करने कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने खनिज अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी रेत की अवैध रूप से डंपिंग कर उसे महंगे दामों में बेचा जा रहा है। सरकंडा से बिरकोना मार्ग में इन दिनों मटेरियल सप्लायरों का डंपिंग यार्ड बना हुआ है। इस सड़क पर अलग अलग जगहों से माफिया रेत और निर्माण सामग्रियों की डंपिंग कर ग्राहकों को ऊंचे दाम में बेच रहे हैं। महिला समृद्धि बाजार गणेश चौक में हर दिन सब्जी मार्केट लगता है, लेकिन शनिवार को यह मार्केट बड़ा रूप ले लेता है। इससे सड़क जाम हो जाता है और राहगीर जाम में फंसकर हलाकान हो जाते हैं। नगर निगम प्रशासन के द्वारा इन्हें उचित जगह नहीं दी गई है। कई जगहों से इन्हें हटाए जाने के बाद ये सब्जी वाले सड़क किनारे बेचने पर मजबूर है। मंगला वालों को पूरा वहीं, अब जितने भी किसान हैं सब किसानों को वहीं जगह देंगे करके हमारे लिए जगह बनाया था। उसके बाद सब बाजार को पूरा बृहस्पति को बेच दिए, बेच के हमको फिर वहां से भगा दिए। अब बृहस्पति बाजार भी हमारे लिए कोई जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। अब किसान जाए तो जाए कहाँ, जहाँ पे रोड पाते हैं, जहाँ पे जगह पाते हैं वहीं बैठ के गुजारा करते हैं।
गरीब किसानों को कोई सुनाई नहीं है, जहाँ भी होता है किसानों को धोखा दे के बैठा लेते हैं कि यहाँ बनाएंगे, यहाँ तुमको बैठाएंगे, वहाँ जगह बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में दो दिनों की भारी बारिश के बाद अब मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ जिलों के ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय रहने के साथ ही अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। न्यायधानी में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां तेज होने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद गणेश विसर्जन में डीजे के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला और पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में डीजे संचालकों की बैठक लेकर उन्हें कड़ा निर्देश दिया है। गणेश पंडाल के पदाधिकारियों से भी बैठक कर उन्हें डीजे का उपयोग नहीं करने हिदायत दी गई है। शनिवार को सरकंडा थाना प्रभारी तोपसी नवरंग ने थाने में शांति समिति की बैठक लेकर डीजे के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। डीजे जो सुप्रीम हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसी के अनुरूप ही आप लोग उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपकी गाड़ी भी रात साथ हो सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं तय सीमा में हैं उसी तय सीमा में आप जाइए और विसर्जन करिए गणेश जी का, और फालतू का समय को आज कम कर लें, परसों कर लें, दो दिन बाद करें, हमको डीजे नहीं मिल रहा है, उस पे मत जाइए भाई। हमारी परंपरा क्या कहती है, एक दिन निर्धारित है ना, हमको 11 दिन रखना है, मतलब 11 दिन रखना है, उसको हमको क्यों अपने से एक्सटेंड करके बढ़ाते हैं कि हमको सिर्फ डीजे नहीं मिल रहा है, हमको सिर्फ नाचना है या बदमाशी करना है। आप हिंदू रीति रिवाज को जो मानते हैं उस हिसाब से परंपरा में जाओ ना यार, क्या होता है। गणेश जी बोल रहे थोड़ी ना कि मुझे 11 दिन बाद नहीं डीजे में लेके जाओगे तभी मैं जाऊंगा कि नहीं, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर वो सब चीज़ों को क्यों, हम लोग ही तो बिगाड़ रहे हैं ना उस चीज़ को, धार्मिक चीज़ों को हम लोग खुद दो दिन तीन दिन मनाते हैं त्यौहार को। मंथन सभा कक्ष में जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडिशनल SP उमेश कश्यप, SDM पीयूष तिवारी, RTO आनंद रूप तिवारी, CSP उमेश गुप्ता सहित ट्रांसपोर्ट संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। संघ के सदस्यों को उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। संघ के सदस्यों ने सभी नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया। SDM पीयूष तिवारी ने कहा कि DJ पूर्णतः प्रतिबंधित है, किसी भी वाहन में DJ या साउंड बॉक्स नहीं लगाया जाएगा। वाहन में साउंड बॉक्स मिलने पर साउंड बॉक्स जब्त कर वाहन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जब्त सिस्टम को कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा, और यदि दूसरी बार वाहन को पकड़ा जाता है तो उस वाहन का परमिट ही निरस्त कर दिया जाएगा। बलौदाबाजार जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कसडोल थाना अंतर्गत छरछेद गांव में हुए इस घटना से मछवारा समाज में आक्रोश है। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के साथ ही न्याय दिलाने की मांग की गई है। समाज के जो मात्र टोनही कहने से शक के आधार पे जो है 4 लोगों को जघन्य हत्या किया गया, जो बहुत निंदनीय है, इसमें जो है बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और इस हत्या को लेके जो है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी जिला हैं, पूरा जिला बड़ी मछुआ समाज ज्ञापन दे रहे हैं, उसको हम लोग सभी को फांसी देने की मांग करते हैं। अत्यधिक कड़ी से कड़ी करवाई जाए और जो है शासन द्वारा जो भी मतलब मुआवजा अधिक से अधिक दिया जाए। बिलासपुर ज़िले के सभी मछुआरा साथी जो हैं, बलौदाबाजार ज़िले के अंतर्गत कसडोल थाना के पास ग्राम छेछर में मछुआरा समाज के परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या, जिसमें 11 माह के छोटे बच्चे भी हैं, जिनको टोनही के शक के आधार पर 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसकी हम मछुआरा समाज कड़ी निंदा करते हैं, और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि समाज में ऐसी कुरीतियों का पुनरावृत्ति न हो सके। मंगला निवासी महिला ने अपने पति के खिलाफ हुई FIR को झूठी बताते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।
शनिवार को महिला शिव कुमारी अपने रिश्तेदार और अन्य महिलाओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। महिला का कहना है कि उसका पति किशन पटेल को मोहल्ले की शादीशुदा महिला द्वारा फंसाया जा रहा है। महिला ने उसके पति के खिलाफ दर्ज प्रकरण की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मैं और मेरे पति दोनों जने हम लोग मांगना से बाहर थे, हम लोग दूसरे जगह रह रहे थे। अब वो एक हफ्ता हुआ भी नहीं था कि वो दोबारा केस कर दी है कि मेरे और मेरे बच्चे के साथ मारपीट हुआ है, और मेरे वो बोल रही कि मेरे बच्चा को सीसीएम सब में एडमिट है, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है, वो झूठ मूठ का फर्जी रिपोर्ट निकाली है। तो मेरा बस यही विनती है कि उसका मामले का जांच किया जाए, क्या है कैसा है। और हम लोग मंगना में तो रहते नहीं थे, हम लोग दूसरे जगह में रहते थे, उस जगह का भी जांच किया जाए, सीसीटीवी फुटेज भी देखा जाए। नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार देहानपारा निवासी आदतन बदमाश राहुल जगत क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग को आते जाते अश्लील कमेंट्स करता था। एक हफ्ता पहले आरोपी राहुल जगत ने नाबालिग को रोककर उसके साथ छेड़खानी की थी। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर परिक्षेत्र में देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर भीड़ उमड़ेगी। रेलवे के अधिकांश कार्यालय और कल कारखानों में पूजा उत्सव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। चालक परिचालक लॉबी के सामने सबसे भव्य पंडाल आकार ले रहा है। रेलवे परिक्षेत्र के संयुक्त लॉबी, रनिंग स्टाफ, वीआईपी गेट के पास, टेलीकॉम, मैकेनिकल, डीआरएम ऑफिस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समेत सभी विभागों में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापना होगी। वहीं मगरपारा चौक समेत शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भी पंडाल सज गए हैं। यह क्षेत्र रोशनी से पूरी तरह जगमग रहेगा। रेल कॉलोनी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। वहीं मूर्तिकारों द्वारा प्रतिमा बनाकर तैयार कर दिया गया है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के दिन प्रतिमा स्थापना के साथ ही औजारों का पूजन किया जाएगा। यंत्रों और औजारों को स्वच्छ कर पूजा की जाएगी। इसके साथ ही हवन पूजन होगा, जगह जगह भोग भंडारे का आयोजन होगा। रेलवे परिक्षेत्र में सबसे बड़ा पंडाल गार्ड लॉबी के सामने तैयार किया गया है। इस बार भव्य रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की तैयारी यहां की जा रही है, जिसे लेकर यहां के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं शहर के अलग अलग स्थानों में भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। कुम्हार द्वारा बनाई गई मिट्टी की प्रतिमा लेने लोग दुकानों तक पहुंच रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्वकर्मा जी की प्रतिमा बन के तैयार हो गई है। लोग आ रहे हैं और अपना पसंद करके मूर्तियां बुक करके जा रहे हैं। मूर्तियाँ क्या थे 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक के अपने पास अभी उपलब्ध है। 17 तारीख को इनकी पूजा होती है। पंडितों के अनुसार वास्तु पूजन व यज्ञ में उत्तर ईशान माध्यम में विश्वकर्मा भगवान की पूजा का विधान प्राचीन काल से किया जा रहा है। धन्य ध्यान, सुख समृद्धि व शिल्प शास्त्र में निर्विघ्न सफलता भगवान विश्वकर्मा के पूजन से मिलती है। यही कारण है कि वर्षों से रेलवे परिक्षेत्र में विश्वकर्मा जयंती को लेकर खासा उत्साह रहता है। झांकियां भी सजाई जाती हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना को लेकर शहर में उल्लास का वातावरण है। जगह जगह भव्य पंडाल तैयार किए गए हैं। मूर्तिकारों ने इस बार कोलकाता से भगवान विश्वकर्मा की आकर्षक प्रतिमाएं बिक्री के लिए मंगाई है। छोटी मूर्ति से लेकर बड़ी मूर्तियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। विश्वकर्मा पूजा को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। 17 सितंबर को शिल्पकार और विभिन्न यंत्रों के देवता विश्वकर्मा की पूजा अर्चना आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। रायगढ़ में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य गेड़ी का प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह का समापन 16 सितंबर को राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। इस अवसर पर लोक श्रृंगार भारती द्वारा नृत्य संगीत पर आधारित गेड़ी की प्रस्तुति दी जाएगी। प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आमंत्रण मिलने से उत्साहित होकर कलाकार इसकी तैयारी में जुट गए हैं। लोक श्रृंगार भारती के अध्यक्ष अनिल कुमार गड़ेवाल के निर्देशन में 18 कलाकारों वाला दल इन दिनों नृत्य की रिहर्सल कर रहा है। छत्तीसगढ़ की इस प्राचीन लोक कला को सहेज कर इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले अनिल गड़ेवाल बताते हैं, लोक पर्व हरेली पर गेड़ी चढ़ने की परंपरा है। इसमें लोक वाद्यों की धुन पर नृत्य की अद्भुत छटा मंत्रमुग्ध करती है।
युवा कलाकारों का दल चक्रधर समारोह के प्रतिष्ठापूर्ण मंच पर छत्तीसगढ़ का गेड़ी नृत्य प्रस्तुत करने तैयारियों में जी जान से जुटे हैं। पारंपरिक गीतों के साथ स्थानीय वेशभूषा में सजे कलाकार छत्तीसगढ़ी रंग बिखेरने उत्साहित हैं। हमारा जो दल है 18 लोगों का है और इसमें नृत्य गीत संगीत सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों का पारंपरिक वाद्य यंत्रों का समावेश है, जैसे कौड़ी एवं चीनी मिट्टी की माला, पटसन वस्त्र, सीख बंद, मयूर पंख धारण करके इस नृत्य को करने की परंपरा रही है। वाद्य यंत्र में मांदल, झांझ, झुमका, खंजरी, टिमकी, बांसुरी हारमोनियम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वानों और हमारे पूर्वजों की ऐसी मान्यता रही है कि गेड़ी लोक नृत्य रामायण काल से भी अधिक पुराना लोक नृत्य है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन को एक और वंदे भारत की सौगात मिली है। दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली रैक दुर्ग पहुंच गई है। नई वंदे भारत ट्रेन को रख रखाव के लिए दुर्ग कोचिंग डिपो में रखा गया है। दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच इस ट्रेन का 9 रेलवे स्टेशनों दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कांटाभाची, टिटलागढ़, केसिंगा, रायगढ़, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में ठहराव दिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से इस ट्रेन की समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। बिलासपुर रेलवे जोन के अलग अलग रेल खंडों में चल रहे अधोसंरचना कार्यों के चलते कई रूटों के ट्रेनों को रद्द और परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। शनिवार को भी मुंबई हावड़ा मेल, आजाद हिंद एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक भुवनेश्वर एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। वहीं बिलासपुर रायगढ़ गोंदिया झारसुकड़ा इतवारी टाटा नगर एक्सप्रेस रद्द रही। इसके अलावा समरसता एक्सप्रेस 2.5 घंटे विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। होटल की आड़ में अवैध रूप से देसी महुआ शराब की बिक्री करने वाले होटल संचालक के खिलाफ पचपेड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि होटल संचालक जोगी नायक अवैध कार्यों में लिप्त है, जो मानिक चौरी स्थित अपने होटल में शराब की अवैध बिक्री करता है। पुलिस ने ग्राहक बनकर छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी से 84 लीटर गोवा शराब और 100 नग देशी शराब बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। शुक्रवार की रात महिला थाने के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें बोलेरो सवार चालक ने एक्टिवा में सवार 2 लड़कियों को जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें सिम्स अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार वाहन चालक सिविल लाइन की ओर से आ रहा था, जो शराब के नशे में था, जिसने सामने से आ रही स्कूटी में सवार 2 युवतियों को ठोकर मार दी। एक युवती कोरबा और दूसरी पामगढ़ की है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। नाबालिग के साथ अनाचार कर फोटो वीडियो वायरल की धमकी देने वाले युवक के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी धनंजय शर्मा दीनदयाल कॉलोनी का रहने वाला है, जो रिश्ते में नाबालिग का मुंह बोला चाचा है। आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और अनाचार की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी धनंजय शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धारा के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया गया।